चल सुना स्टार्ट कर लेते हैं. देखो जस्ट फ्यू थिंग्स यू ऑल राइट ताकि वेन एवर ट्राइंग टू रिवाइज अ सम विल बिकम टू लॉन्ग. ओके तो सुनो यू ऑल हैव डन इट, यू ऑल हैव रेड इट, यू ऑल हैव ट्राइड इट. ओके जस्ट फ्यू थिंग्स यू ऑल राइट, तुमको बाद में कभी वो डाउट नहीं आएगा. दिस ओनली फॉर योर रेफरेंस, नॉट टू बी रेप्लिकेटेड इन एग्जाम्स. लिखो तो आदित्य ग्रुप है, ब्रोकन अप इंटू टू डिपार्टमेंट्स, एक ऑज लिमिटेड है, एक ANZ है. दिस इज प्रीमियम प्रोडक्ट्स, दिस इज नॉर्मल प्रोडक्ट्स. आई जस्ट राइट डाउन. अच्छा मेरे को जरा बोलो ऑफर जो था कौन से डिपार्टमेंट को आया था. ऑज लिमिटेड, सो देयरफॉर बस यहां पे लिख के रख लेना रिसीव्ड द ऑफर. अच्छा और बीच में सम ऑफ द कंपोनेंट्स विल बी सप्लाइड, तो यहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग आ जाता है. तो आदित्य लिमिटेड का एक डिपार्टमेंट है, दैट इज फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. हेडेड बाय LC, इसके सबॉर्डिनेट एक मैनेजर है, फियोना, और तुम लोग सबसे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर. चलो सुनो विल स्टार्ट अवे विद द थिंग्स. तो आई गेस द फर्स्ट वन वॉज द इजिएस्ट वन. हर एक चीज के लिए अपने को नोट मेरे ख्याल से दे देना चाहिए उधर, दैट्स व्हाट दोज गाइस हैड टोल्ड अस. तो लिखो नोट्स फर्स्ट, माइट बी द इजिएस्ट वन फॉर यू ऑल. अपने को यहां पर हाउ मेनी टर्न्स वी ऑल वॉन्ट यार, 40. Now obviously it is in regular use. अगर regular use होएगा तो relevant cost क्या हो जाएगा, 380. बाकी कितना in stock है I'm not much interested क्योंकि ultimately replace हो ही जाएगा. Okay तो लिखो जरा please. Note 1 materials. Write down material that will be required. Are regularly used and therefore relevant cost will be current replacement cost. As materials will have to be replaced or bought at some time. आजो इधर. तो कितने टन्स की जरूरत है अपने को, 40 एट द रेट ऑफ 380. $15,200 नोट टू.
लिखिए नोट टू कंपोनेंट्स. अच्छा देखो कंपोनेंट्स के लिए बेटा अपने पास ना दो ऑप्शन है, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जरा लिखो ऑप्शन वन परचेज फ्रॉम मार्केट. तो अपने को 4000 कंपोनेंट्स चाहिए थे, purchase it from the market at 15 rupees. So this is 60,000. Obviously ye ek option hai, dusra option hai option 2. Purchase from ANZ. अच्छा सम के लिखा हुआ है कि ANZ also aims at goal congruence, मतलब कंपनी हैज टू बी डूइंग गुड. ओके तो अगर ANZ से खरीदेंगे तो ANZ का कॉस्ट विल कम. ओके तो यहां पे लिख के रखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ANZ विल बी 4000 इंटू 18 सॉरी इंटू 8 32,000. अच्छा याद रखना ऐसा नहीं है मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहां पर. ओके लेकिन दिस डिपार्टमेंट दिस कंपनी डज नॉट हैव स्पेयर कैपेसिटी ओनली, तो अगर ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना है आपको कुछ और लूज करना पड़ेगा. वहां से कितने रुपीस का सेल्स होता था 50,000, उसके ऊपर कितना कमा लेते थे 40%, सो देयरफॉर 20,000 विल बी लॉस्ट. ओके तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 50,000 इंटू 40%, तो ये आ जाएगा 20,000. तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए एक ऑप्शन है कि यार ये कर लो, या दूसरा ऑप्शन है ये कर लो, वी वुड लाइक टू डू वेर एवर इट इज गोइंग टू बी अ लोअर कॉस्ट फॉर अस. तो यहां पे यू विल राइट डाउन company would like to go for that option where cost is less. अच्छा मेरे को वैसे जरा बोलो वो ऑप्शन अलाउड ही नहीं है. ओके कि पार्टली वगैरह ये सब कुछ, क्योंकि समके ने एक लाइन था जो आप लोगों ने अंडरलाइन भी किया था एंड दैट वाज कि ईदर वी विल परचेज फ्रॉम हियर और परचेज फ्रॉम देयर, क्योंकि एक लाइन था टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन द क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट, सो पार्ट इज नॉट पॉसिबल. सपोज अगर सम तेरे को बोल देता कि पार्ट इज पॉसिबल, ठीक है, तो तुम लोग एक थर्ड ऑप्शन भी इवैल्यूएट वो करते. मेरे को बोलो बस थर्ड ऑप्शन कैसे इवैल्यूएट करते, करो मत दैट इज ओके, लेकिन मेरे को बोलो अगर वो थर्ड ऑप्शन भी होता तो फिर तुम लोग क्या कर लेते, मेरे को बस कैलकुलेशन अपना बता दो, कैलकुलेशन कुछ करो मत बस मेरे को बोल दो कि तभी क्या करते. सर 2500 यूनिट्स आगे बोलो इस डिपार्टमेंट से खरीद लेते, फिर आगे जरा बोलो 1500 जो है मार्केट से खरीद लेते, समझ में आता है, अगर उस चीज का कॉस्ट इन दोनों से कम होता दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. लेकिन सामने वो बोल दिया कि वैसा कुछ अलाउड ही नहीं है तो फिर जाने दो. चलो ठीक है सुनो, तो यहां पे 52,000 इधर लिख लेना. चलिए दिस जॉब इज ऑल डन. अभी आगे नोट थ्री स्किल लेबर, दिस वी ऑल हैव डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम सेम एडजस्टमेंट. लिखो स्किल लेबर अच्छा
मैं अकाउंट बनाकर ही कर लेता हूं ताकि यू रिमेंबर द थिंग्स. ओके, तो यहां पे लिख लेना 1 आवर. दिस कॉन्ट्रैक्ट अगर इधर काम नहीं करते बोलो कौन सा प्रोडक्ट बना लेते. जी अगर इधर काम करेंगे विल पे देम फॉर 1 आवर एट द रेट ऑफ रुपीज 5. देयर ऑल्सो विल पे देम एट द रेट ऑफ रुपीज 5. अच्छा 1 आवर के अंदर उतना यूनिट्स बेचते जिसका सेल्स वैल्यू भाई मेरे को नहीं मालूम क्रॉस, उसके लिए उतना खर्चा होता 1 आवर के अंदर जो मेरे को नहीं मालूम क्रॉस, लेकिन मेरे को ये जरूर मालूम है दिस माइनस दिस विल बी गिविंग यू कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूशन 24 नहीं लिखने का, कितना लिख देने का 6 क्योंकि 24 इज फॉर 4 आवर्स. अच्छा एक मिनट, इतने क्वेश्चंस करने के बाद सबको डायरेक्टली स्ट्राइक हो जाता है कि रेलेवेंट कॉस्ट विल बी 11 रुपीज पर आर. ओके 5 रुपीज अगर कैंसिल किया 6 रुपीज विल इंक्रीज बाय 5. ओके तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू रुपीज 11 पर आर. अच्छा कम बैक टू योर मेन स्टेटमेंट. सो 2000 आवर्स एट द रेट ऑफ 11 22000. फोर्थ मशीनरी, बी केयरफुल इसके अंदर कई लोग एक चीज शायद भूल गया. देखो मशीनरी के लिए बेटा इन ऑल ना आपके पास 3 ऑप्शन है, या रेंट पे ले लो, सबने ऐसा बोला है, कॉस्ट इज 15,000, जॉब इज ऑल फिनिश्ड. ओके दूसरा आप लोग मशीन खरीद लो, आफ्टर 1 ईयर यू ऑल सेल इट. ओके थर्ड ऑप्शन जो है आज मशीन खरीदो, 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म वो हो जाएगा, या फिर वो जब भी खत्म होता है दैट्स ओके. जब भी वो खत्म हो जाएगा मशीनरी के ऊपर 5,000 रुपीज का और खर्चा करो, देन इट विल बिकम अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन अदर मशीनरी विच यू आर सपोज टू बाय फॉर कितना रुपीज यार 45. ऑब्वियसली जिधर भी अपना खर्चा सबसे कम होगा दैट वी विल गो. लेकिन याद रखना अगर आप सोच रहे हो इन तीनों में से क्या करूं, ऑब्वियसली जो मर्जी करो लेकिन 12,000 रुपीज का खर्चा तो होगा होगा. सो ध्यान से सुनना, इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट आई शुड डू आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शन 12,000 रुपीज इज इरेलेवेंट, बट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग वेदर दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, आगे बोलो 12,000 रुपीज इज रेलेवेंट नो यार. अगर सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, मैं मशीनरी कभी लेता ही नहीं या भाड़े पर ही नहीं लेता, मैं कुछ भी नहीं करता, ओके तब 12,000 रुपीज का खर्चा मेरा नहीं होता ना. ओके सो इन बिगनिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिसाइड विच आउट ऑफ दोस 3 ऑप्शंस आई शुड गो फॉर. तो यहां पे जरा लिख के रखो ऑप्शन 1 हायर. अगर ऐसा कर देगा कॉस्ट इज 15,000 एंड ऑफ द स्टोरी. ऑप्शन 2 बाय नाउ एंड सेल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट. तो फिर एक कॉस्ट आ जाएगा बेटा अभी 50,000 रुपीज का, सबने बोला है लेस. सेल वैल्यू आफ्टर सेल वैल्यू बस बहुत हो गया 30,000. ऑप्शन 3 बाय नाउ एंड मॉडिफाई आफ्टर 1 ईयर.
अच्छा, इन एनी केस आज आपका 50,000 रुपीस का खर्चा हो जाएगा. अच्छा एक मिनट, ये खर्चा आज लगेगा, एक साल के बाद एक और खर्चा भी तो लग जाएगा. सो देयरफॉर ऐड मॉडिफाइंग कॉस्ट. कितने रुपीस का? 5,000. अच्छा, यहां पे आप मशीनरी बेचोगे नहीं, यू विल यूज इट फॉर अनदर मशीन. दैट मशीन यू वर सपोज टू बाय फॉर 45. सो देयरफॉर लेस सेविंग इन कॉस्ट of that machine 45 10,000. सुनो, तो आउट ऑफ द थ्री ऑब्वियसली विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस? लास्ट वन. सो देयरफॉर नेक्स्ट लाइन पे लिख के रखो लीस्ट ऑफ द अबव 10,000. सो देयरफॉर लास्ट ऑप्शन मेरे को कर लेना चाहिए. इन एनी पर्टिकुलर केस मेरा एक और खर्चा तो होएगा ही होएगा, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो बोल रहा है कि मैं ऑप्शन थ्री कर रहा हूं और ऑप्शन टू नहीं कर रहा हूं तो 30,000 रुपीज लूज हो रहा है, तो ऐसा बोलता है. Okay, my job is not to find out this is better than this by how much. My job is to find out is contract ka cost kitna hoga. So whichever is the least, I will be doing that particular thing. Agar teko ye pucha hota, ye batao option 3, option 2 se kitna achha hai. That time you can try to talk of this. I'm not trying to do that. That is just a small thing within this particular thing. So therefore, yahan pe 30,000 hai. Okay. So in this case, this has come lower than this. There is end of the matter, no? I am not trying to compare ye option isse kitna achha hai. Achha hai to baat khatam hogi na bas. Okay. So, theek hai, chalo aage. Operating cost 12,000 rupees ka. To aapka relevant cost 22,000 ka. सुनो, अभी हर एक चीज के बारे में नो टाइम गिविंग. दिस थिंग यू ऑल हैव टू गेट इट राइट. यार बहुत क्वेश्चन किए. मेरे को बोलो सुपरवाइजर का अमाउंट विल बी कितना रुपीस? 5,000. यू ऑल राइट ऑन नोट 5 सुपरवाइजर. लिखो सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर ऑफ रुपीज 50,000 विल रिमेन सेम. Full stop. Only the extra amount of rupees 5,000 will be relevant. Again. डेवलपमेंट टाइम बोलो क्या बोलता है. 15 आवर्स डेवलपमेंट टाइम लग चुका है. 30,000 रुपीस का खर्चा ऑलरेडी हो चुका है. तो इन एनी केस दैट्स अ संक कॉस्ट एंड देयरफॉर इररिलेवेंट. लिखो जरा प्लीज राइट डाउन नोट 6 डेवलपमेंट कॉस्ट लिखो. दिस हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड and is therefore irrelevant. Full stop. Ek last line to all likhe rakho. Therefore it is irrelevant. वो लिखा सॉरी आगे. सेवेंथ लिखो फिक्स्ड ओवरहेड्स. लिखो
fixed overheads will not increase because of this contract. Full stop. Therefore, absorption rate of 20 per labor hour which also includes depreciation of rupees 5 are irrelevant. Nil likh do, total maar do please. अच्छा सुनो, ये हो गया तुम्हारा पार्ट फर्स्ट का आंसर. ओके, सेकंड, डिस्कस टू प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ सेटिंग द प्राइसेस यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग. दिस एज आई टोल्ड आई हैव डिस्कस्ड इन सम अदर क्वेश्चन आल्सो, बट देन आई डिस्कस इट ओवर हियर फ्रेश. जरा सोचो, द कस्टमर दैट हैज कम, ओके, वी वॉन्ट टू कोट हिम एज लो एज पॉसिबल. ठीक है, यू कैन नॉट कोट बिलो योर कॉस्ट, सो आई कंप्यूटेड माई कॉस्ट यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग. ओके, so therefore in this case 116200 you will understand कि अगर मैंने बंदे को इतना ही चार्ज किया I will make कितना profit यार, zero. okay, चलो ठीक है, but try to think in reality you will want some particular profit for sure. okay, suppose I try to think 116200 is my cost, I will charge him चलो 120. okay, technically you will make some profit, I do understand that you will make some particular profit. okay, but then as I have told before also, when you will start to make your books of accounts and you will start to explain to your shareholders, okay, or whomsoever is a reporting authority, you can be saying, sir, this was the selling price that I quoted, this was my cost, I made a profit of 3800. That guy can always be arguing, what kind of an idiot you are, we have already incurred 30,000 rupees as development cost. I understand that those costs are irrelevant, okay, but whenever you will try to report, all your historical costs will also be coming, no? Okay, so somewhere or the other this rift is always there, kyunki kya hota hai, for internal decision making we use such approaches which are correct, okay, lekin shareholders tak jo pahunchta hai, that is accounting data, okay, and this data will never ever tally with that. Shayad unke hisab se ek development cost bhi hoga jo P&L account ke debit side pe aayega, due to that they will always be saying, sir, this is a loss making thing. Okay, although I can always be explaining to them ki 30,000 rupees ka kharcha already ho chuka tha, to wo irrelevant, lekin kya hai, that explanation frankly you cannot explain to the shareholders, no? Okay, shareholders ne report dekha to har shareholder ke घर पे जाएगा, ओके, तो ऐसा उसको तो वो थोड़ी बोलेगा हाँ तब ऐसा हुआ था. ओके, सो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन दीज स्टेटमेंट्स एंड इन दिस केस व्हाटएवर हैपेंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन. राइट डाउन पार्ट टू, टू प्रॉब्लम्स दैट अराइज व्हेन प्राइसेस are set using relevant costing. Next and we'll go first. These statements made using relevant costing ignore all the sunk costs comma, but when
reporting is done, comma, it is done using historical systems. Where development cost fixed cost etc will also be coming. Full stop. This usually creates a rift between the management and the shareholders. Second, अच्छा जरा सोचो ये वाला कस्टमर ना लॉन्ग टर्म कस्टमर था. वी वांटेड टू कोट हिम एज लो एज पॉसिबल. शायद यू ऑल आर थिंकिंग फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज क्या है, वंस यू विल कोट हिम बेस्ड अपॉन दिस थिंकिंग, सर दिस इज माय कॉस्ट, ओके, ही विल गेट यूज्ड टू सच काइंड ऑफ प्राइसेस, ओके, देन आफ्टर सम टाइम टू इंक्रीज द प्राइसेस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. और एक ऑनेस्ट बात है, टू एवरी वन यू कैनॉट कोट बेस्ड अपॉन रेलिवेंट कॉस्टिंग. क्योंकि जरा सोचो, वी आर इग्नोरिंग ऑल दिस पर्टिकुलर कॉस्ट. अगर हर जगह से फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूड ही करोगे, देन ऑब्वियसली एट दैट पर्टिकुलर टाइम दिस कॉस्ट अल्टीमेटली विल बिकम योर लॉस. ओके, वी कैन ऑलवेज स्टार्ट टू थिंक इन दिस मैनर. सर हम लोग नॉर्मल गुड्स अपने बेचते रहते हैं टू आर नॉर्मल कस्टमर्स. सर ऑल द फिक्स्ड कॉस्ट विल स्टार्ट टू गेट रिकवर्ड फ्रॉम देयर. सर दिस इज अ स्पेशल ऑफर, सर अपना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट का एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं होने वाला, सो लेट्स नॉट चार्ज इट. यू आर परफेक्ट इन थिंकिंग दैट. लेकिन इसकी वजह से ना कभी कभी और दिक्कत भी आ सकता है. फर्स्ट, कस्टमर को यू आर ट्राइंग टू कोट एज लो एज पॉसिबल, ओके, देन इन फ्यूचर टू इंक्रीज द प्राइसेस विल बिकम अ डिफिकल्ट जॉब. दैट इज वन थिंग. जो कस्टमर्स को ऑलरेडी गुड्स बेच दिया, दैट वुड हैव बीन सोल्ड एट हायर प्राइसेस, ओके, सो देयरफॉर एट दैट टाइम दोज गाइज विल स्टार्ट टू कंपेयर देयर प्राइसेस विद देम, ओके. कभी ना कभी यहां पर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस ये चीजों का हो ही गई होगा. एज आई हैव टोल्ड यू वंस वो बिफोर ऑल्सो, सपोज वेन यू टेक एडमिशन ओवर हियर, ओके, वी चार्ज यू ऑल अ फीस, ओके, ऑब्वियसली उस फीस के ना मेरा सारा कॉस्ट रिकवर हो ही जाता है, ओके. अभी सपोज मेरे पास दो सीट्स वो वीकेंड थी, ओके, अभी और एडमिशन नहीं होने वाला, ओके, वन गाय केम, ओके, ही टोल्ड आई विल पे यू ओनली रुपीज 1000 एज फीस, एंड देन इन दैट पर्टिकुलर केस, ओके, you have to take me. Abhi, if I start to think like this, yaar abhi admission so वैसे भी full नहीं हो रही, दो seats वो vacant है, okay, one student is coming, मेरा 1000 rupees वो मेरे को extra देगा, मेरा सिर्फ एक ही खर्चा extra होएगा books का, so 500 रुपया I will earn, okay. लेकिन जरा सोचो, 500 रुपया I will earn वो एक अलग चीज है, okay. फिर तुम लोग तो वो सोचेगा ये हमको क्या उल्लू बना डाला, okay. Then why the hell you charges? तुमको समझ में आता है? So somewhere or the other ये चीजें are very short term, okay. इतना ज्यादा we should not try to do that, we reduce the prices for some of the people. Or agar wo karte bhi ho, there should be a good basis for it. Why the hell you are trying to do that particular thing? Okay, likho zara please. Second, write down. If the proposals are evaluated using relevant costing and prices are set only to recover relevant costs, comma, the price that would be set would be very less. Full stop. Later to increase the price becomes very difficult.
full stop. Last line. Moreover, those customers who have been sold the product at a higher price will feel dissatisfied. Will feel dissatisfied. Skilled labor will increase, matlab. हाँ, so that time you can add a provision to these, but लेकिन क्या है वो relevant costing का disadvantage वो नहीं है. अगर suppose देखो ये वाला चीज़, if you would not have done final CA with us, okay, for costing also, then also these things even under a normal thing, okay, that will automatically come. उन लोगों ने मेरे को क्या बोला है कि relevant costing का आप दो disadvantages बोलो. उन लोगों ने आपकी statement का disadvantages वगैरह those guys have not asked, okay, those are the whenever anything will come. शायद जब मैंने ये वाला hours भी predict वो किया रहेगा, वो जो 2000 hours, I might have taken like this, suppose 1800 hours ही लगते होंगे, but I will count 2000 hours ताकि if something happens, so therefore then I'll take care of that. Okay, वो इस approach का disadvantage नहीं है. Okay, that is the normal disadvantage of estimations only. Okay, अगर आपको वो चीजें भी include कर रहा है, you can add to one more item as a provision for increase in cost. Okay, बेस.